वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सी क्लास लगने वाली है और किस किस की क्लास लगने वाली है। पहले चरण का मतदान, राम का सम्मान वर्सेस राम का अपमान, क्या यही तय करेगा विनर? रामनवमी पर पीएम मोदी का वो राम भक्त रूप आपको दिखाऊंगा जो आपने अभी तक ना देखा होगा। वोटिंग से ठीक पहले किसने करोड़ों राम भक्तों को पाखंडी बता दिया, आज उसकी भी बात होगी। अयोध्या के अलावा वो राम मंदिर जो 21 साल बाद पीएम मोदी की वजह से खुल पाया, आज उसके बारे में बताऊंगा। वोटिंग के पहले राम मंदिर का विरोध करने वाले कौन से नेता राम भक्त बन गए? राहुल और प्रियंका ने नरेंद्र मोदी को आने वाली सीटें बताई तो कैसे कांड हो गया। ईवीएम से चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ आप सुनेंगे तो आपको भी शॉक लगेगा, वो सारी बातें भी सुननी चाहिए। पहले चरण की वोटिंग पर वो चैप्टर जो पूरा हिसाब क्लियर कर देगा, यानी चुनाव की हर खबर आज आपके सामने होगी। रामनवमी पर राम मंदिर की वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा जो घर बैठे आपको अयोध्या पहुंचा देंगी। सूखे रेगिस्तान वाले दुबई में एक गलती हुई और उसने पूरे देश को कैसे डुबो दिया, ये भी बताऊंगा। लेकिन पाठशाला शुरू करने से पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने सभी बीजेपी और एनडीए उम्मीदवारों को पत्र लिखा है। इस पत्र में पीएम मोदी ने लिखा है कि चुनाव से पहले के आखिरी घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पीएम मोदी ने मतदाताओं से अपील करते हुए लिखा कि गर्मी और दूसरी असुविधाओं को बर्दाश्त करते हुए देश निर्माण में वोट जरूर दें। यूपी के संभल में अपराधियों में सीएम योगी की पुलिस का खौफ दिखा। 600 अपराधियों ने अलग अलग थाने में जाकर पुलिस के सामने अपराध न करने की शपथ ली। सभी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं करेंगे और कानून का पालन करते हुए पुलिस का साथ देंगे। सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए शूटर्स ने पूछताछ में बताया है कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही उन्हें इस काम के लिए हायर किया था और फायरिंग का मकसद सलमान खान को डराना था। पूछताछ में शूटर्स ने इस काम के लिए 2 से 3 लाख रुपए एडवांस मिलने की भी बात कबूली है। झारखंड में जमीन घोटाले के मामले में ईडी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए जीएमएम के जिला अध्यक्ष समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तारियों के साथ इस मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन समेत हिरासत में लिए गए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 8 हो गई है। सोरेन के खिलाफ जांच रांची में करीब 9 एकड़ जमीन से जुड़ी हुई है। ईडी का आरोप है कि इसे अवैध रूप से कब्जे में लिया गया था। आमिर खान ने सोशल मीडिया पर एक डीप फेक वीडियो वायरल होने के बाद मुंबई साइबर सेल में FIR दर्ज कराई। आमिर खान की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने अपने 35 साल के करियर में कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट ही नहीं किया। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें आमिर खान कांग्रेस के लिए प्रचार करते हुए पीएम मोदी की आलोचना करते दिख रहे हैं। तो यह हो गया दिनभर का रिवीजन। पाठशाला की पहली क्लास फर्स्ट फेज का मतदान, राम का सम्मान वर्सेज राम का अपमान, क्या यही तय करेगा विनर का नाम? रामनवमी पर पीएम मोदी का वो राम भक्त रूप जो आपने नहीं देखा होगा। वोटिंग से ठीक पहले किसने करोड़ों राम भक्तों को पाखंडी बता दिया। अयोध्या के अलावा वो राम मंदिर जो 21 साल बाद पीएम मोदी की वजह से खुल पाया। वोटिंग के पहले राम मंदिर का विरोध करने वाले कौन से नेता राम भक्त बन गए, यानी चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर सबसे पहले। लोकसभा चुनाव के लिए पहला वोट पड़ने में अब सिर्फ कल का दिन बचा है। पहले चरण का प्रचार आज खत्म हो गया, लेकिन जो बात खत्म नहीं हुई वो है इंडी गठबंधन का कुल्हाड़ी पर बार बार पैर मारना। आज पूरा देश जब रामनवमी मना रहा है, जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर की पहली भव्य रामनवमी मनाई जा रही थी, खुद पीएम रामनवमी पर भगवान श्री राम का सूर्य तिलक देख रहे थे, तो इंडी गठबंधन के कुछ लोग भगवान का अपमान करने में जुटे थे। इनकी राजनीतिक समझ इतनी कच्ची हो गई है कि जब वोट पड़ने जा रहे हैं उस वक्त भी इन्हें आस्था और भक्ति का विरोध करना शायद सही लग रहा, जबकि सब जानते हैं कि इस देश का आधार ही आस्था और भक्ति है। इनके इसी विरोध की वजह से चुनाव के पहले राउंड से पहले ही यह चुनाव 2 सोच के बीच बट गया है, राम का सम्मान वर्सेज राम का अपमान। और यह इन लोगों ने खाई पैदा की है। भगवान राम से जुड़ी आस्था और भक्ति का अपमान करने वाले और उसका मजाक उड़ाने वालों की बात आगे करूंगा, लेकिन पहले देख लीजिए कि आस्था और भक्ति का सम्मान किस तरह से किया जा सकता है। इंडी गठबंधन वाले इसे पीएम मोदी से सीख सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में एक रैली करने गए थे। वहां पर उन्होंने रैली के बीच अयोध्या में रामलला का जो सूर्य अभिषेक हो रहा था उसे देखा कंप्यूटर पर, टैब पर। उन्होंने रामलला का सूर्य तिलक देखने का वीडियो भी शेयर किया। दोपहर 12 बजे के करीब अयोध्या में सूर्य की किरणें जैसे ही रामलला के मस्तक पर पड़ी, ऐसा लगा जैसे स्वयं सूर्यदेव सूर्यवंशी श्रीराम के जन्म का उत्सव मना रहे। इस अलौकिक अवसर को पीएम मोदी असम में बैठ के देख रहे थे। पूरे देश में जैसे सारे भक्त रामलला का सूर्य तिलक देख रहे थे, उसी तरह से पीएम मोदी भी अयोध्या में श्रीराम का सूर्य तिलक देख रहे थे असम में बैठकर। और आप देखिए, प्रचार नहीं रुका लेकिन भक्ति भी नहीं रुकी। रामलला का सूर्य तिलक देखते समय पीएम मोदी ने अपने जूते उतार कर रख दिए थे और पीएम मोदी का एक हाथ उनके सीने पर था, जैसे नहीं आदमी प्रणाम करता, जूते उतारे हुए हैं। ये नहीं कि टैब पे देख रहे तो जूता पहन के देख रहे हैं। ये है नरेंद्र मोदी की राम भक्ति। जैसे मंदिर में भगवान के दर्शन के समय लोग अपने हाथ को सीने के पास लाकर जोड़ लेते हैं, ठीक उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी भी कर रहे थे, हालांकि वो अयोध्या से हजारों किलोमीटर दूर थे। ये है राम का सम्मान। असम में होते हुए भी पीएम मोदी ने समय निकाला और अयोध्या में हो रहे रामनवमी के कार्यक्रम को देखा। पीएम मोदी ने कहा कि 500 साल बाद यह शुभ अवसर आया है जब श्री राम अपने मंदिर में विराजमान है और रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है। एक बार पीएम मोदी को सुनिए, फिर दिखाऊंगा कि कैसे राम भक्ति में डूबे प्रधानमंत्री ने मंच से ही जय श्री राम के नारे लगवा दिए। राम नवमी का ऐतिहासिक अवसर भी है, 500 वर्षों के इंतजार के बाद आखिर भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। प्रभु राम के जन्मोत्सव को हम सबने यहां से उसमें शरीक होकर के आज जब सूर्य देवता स्वयं प्रभु राम जी के जन्मदिन को मनाने के लिए अयोध्या की धरती पर किरण के रूप में उतर रहे हैं, पूरे देश में एक नया माहौल है। और ये प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है जब वो अपने निज घर में बर्थडे मनाने का सौभाग्य मिला है। रामलला और रामनवमी की बात करते हुए पीएम मोदी राम भक्ति में डूब गए। पीएम मोदी ने मंच से ही राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की ये नारे लगाए। पीएम मोदी के साथ साथ जनता भी एक सुर में जय श्री राम के नारे लगा रही थी। देखिए चुनावी रैली में कैसे राम में हो गई पूरी जनता और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बोले प्रभु रामचंद्र की, प्रभु रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, जय श्री राम। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी। एक तरफ असम में रैली में प्रभु श्री राम की गूंज सुनाई दे रही थी, प्रधानमंत्री मोदी की राम भक्ति आपने देखी, भगवान के प्रति भावना देखी, जो भावना हर राम भक्त के मन में होती है, जो भावना इस देश के करोड़ों हिंदुओं के मन में होती है। लेकिन उधर इंडी गठबंधन, उसके नेता समझने को ही तैयार नहीं। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने श्री राम को लेकर ऐसा बयान दिया जो अखिलेश यादव को बहुत परेशान करेगा बॉस। रामगोपाल यादव से जब पूछा गया कि रामनवमी पर उनका क्या संदेश है, तो रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि देश में हजारों राम मंदिर हैं और कुछ लोगों ने रामनवमी को पेटेंट करा लिया है। रामगोपाल यादव ने कहा कि वो दिखावा और पाखंड नहीं करते, जो लोग पूजा करते हैं वो पाखंडी हैं। मतलब करोड़ों लोग जो रामनवमी में पूजा कर रहे हैं वो रामगोपाल यादव की परिभाषा से चलिएगा तो वो लोग पाखंडी हैं। सोचिए, रामगोपाल यादव के नाम में ही राम है, गोपाल है, फिर भी वो ऐसी बातें कर रहे हैं।
एक बार राम गोपाल यादव का बयान सुनिए, फिर बताऊंगा कि प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने वाले राहुल कैसे राम राम कहने लगे। रामनवमी को जो कोई कुछ लोगों ने पेटेंट कर लिया है, उनकी बपौती नहीं रामनवमी। रामनवमी करोड़ों लोग हजारों वर्ष से मनाते चले आ रहे हैं, और एक राम मंदिर नहीं, हजारों राम मंदिर इस देश में हैं ऑलरेडी, और इसमें तो उन्होंने सब अधूरा प्राण प्रतिष्ठा वगैरह किए। सारे जगतगुरु शंकराचार्य उसके विरोध में थे, ये ठीक नहीं है। अशोक जो पहले होते रही, मैंने तो कभी किसी की पूजा नहीं की, मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ, मैं असली भक्त हूँ भगवान, मैं दिखावा नहीं करता, मैं पाखंडी नहीं हूँ। पाखंडी लोग ये सब करते, पाखंडी लोग ये सब करते, ये राम गोपाल यादव कह रहे हैं। जो लोग आज रामनवमी मना रहे वो पाखंडी हैं क्या सर? और क्या इन लोगों को जो इतना खुलकर हिंदुओं के लिए बात कह लेते हैं, ये दूसरे धर्मों के लिए ऐसा कह सकते हैं क्या, जब वो अपने धर्म की किसी पर्व त्योहार में अपने धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, उनको कोई पाखंडी कहता है क्या? लेकिन करोड़ों हिंदुओं के लिए ऐसी बात कही जा सकती है कि जो ये सब करते हैं वो पाखंडी हैं। राम गोपाल यादव को आपने सुन लिया। इंडी गठबंधन के एक और नेता हैं राहुल गांधी, जिनके पास पिछले 3 महीने में इतना समय नहीं मिला कि वो अयोध्या जा सके। न्याय जोड़ो यात्रा से, न्याय यात्रा या जिसे भारत जोड़ो यात्रा कहते हैं, वो पूरा देश नापने का दावा करने वाले राहुल अयोध्या नहीं जा पाए। लेकिन अब पहले चरण के मतदान में एक दिन का जब समय बचा है तो राहुल गांधी भी राम राम करने लग गए। आज गाजियाबाद में अखिलेश यादव के साथ उन्होंने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी ने शुरुआत में रामनवमी की बधाई के साथ शुरुआत की। सुनिए राहुल गांधी को, फिर बताऊंगा कि बंगाल में रामनवमी के दिन ममता बनर्जी ने क्या किया। रामनवमी की आप सबको, देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामनवमी की आप सबको, देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे इंडी गठबंधन का यही हाल है। राम मंदिर को बीजेपी का मुद्दा बताते रहे हैं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी का कार्यक्रम बताते आए हैं, लेकिन जब यह लगा कि इससे तो बीजेपी को फायदा हो सकता है तो सभी के सुर बदल गए। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रामनवमी से पहले लगातार दंगों की आशंका जताती रही। ममता ने कई बार यह कहा कि रामनवमी पर बीजेपी दंगे करा सकती है। आज रामनवमी की बधाई देते हुए भी ममता ने दंगों का डर जता दिया। ममता ने लिखा कि रामनवमी के शुभ अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं, आप सभी से अपील है कि शांति समृद्धि बनाए रखें। ममता बनर्जी ने रामनवमी की बधाई दी, जबकि ये वही ममता बनर्जी हैं जो जय श्री राम का नारा तक सुनते भड़क जाती थी। आपको वो तस्वीर याद होगी, साल 2019 में ममता बनर्जी उत्तरी 24 परगना से गुजर रही थी, उसी समय कुछ लोगों ने ममता के काफिले को देखकर जय श्री राम के नारे लगाए थे, और जय श्री राम का नारा सुनते ही ममता बनर्जी अपना आपा खो बैठी थी, गाड़ी रोककर नारा लगाने वालों को डांटने लगी थी। ममता ने कहा था कि जिसने भी नारा लगाया है उनके नाम और पते नोट किए जाएंगे। सब समय का खेल है। जो ममता बनर्जी राम, जय श्री राम के नारे से चिढ़ जाती थी, वो आज रामनवमी पर बधाई दे रही। ममता बनर्जी की पार्टी रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाल रही है। हावड़ा में टीएमसी कैंडिडेट प्रसून बनर्जी ने शोभा यात्रा का नेतृत्व किया, हाथ में भगवा झंडा लिए और भगवान राम के नारे लगाते हुए टीएमसी कार्यकर्ता इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस शोभा यात्रा में ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई। जबकि इसी हावड़ा में बंगाल सरकार ने विश्व हिंदू परिषद को शोभा यात्रा निकालने से मना कर दिया था, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने वीएचपी को शोभा यात्रा निकालने की मंजूरी दी। हाईकोर्ट ने कहा कि शोभा यात्रा में भड़काऊ बयानबाजी ना हो, शोभा यात्रा का नेतृत्व करने वाले 5 लोगों के नाम भी बताने के लिए कहा गया था। हाईकोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद हावड़ा में विश्व हिंदू परिषद ने शोभा यात्रा निकाली। कल ही पीएम मोदी ने ममता सरकार पर आरोप लगाया था कि वो रामनवमी के त्योहार में रुकावट डालने की कोशिश कर रही थी और शोभा यात्रा निकालने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। आज विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा निकली तो कड़ी सुरक्षा के बीच, जैसे शोभा यात्रा नहीं बल्कि कोई बड़ी घटना होने जा रही। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए ना, आपको खुद दिखेगा। फिर बताऊंगा कि कांग्रेस की सरकार वाले तेलंगाना में रामनवमी पर शोभा यात्रा को लेकर क्या विवाद हो गया। आपको दिखाते हैं किस तरह से एक एरियल सर्वे भी किया जा रहा है ड्रोन की मदद से, इन इमारतों पर आखिरकार कुछ रखा है कि नहीं, इन इमारतों का भी जो है सर्वे किया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से दिखाए, सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस जिनको चुनाव के लिए तैनात किया गया था, उन्हें फिलहाल यहां पर आज रामनवमी के अवसर पर जो है ड्यूटी पर लगाया गया है, जहां एक तरफ राज्य
पुलिस के भी अफसर यहां पर दिखेंगे। वहीं दूसरी ओर सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्स के तरफ से भी यहां पर रूट मार्च भी किया गया है और एरिया डोमिनेशन भी किया गया है। ये तमाम वो जगहें हैं जहां पर पुलिस ने सुरक्षा इंतजाम को जो है काफी ज्यादा पुख्ता कर लिया है। इसी तरह से देखिए कि तेलंगाना में क्या हो रहा है। हैदराबाद में बीजेपी नेता टी राजा ने रामनवमी पर शोभा यात्रा की मंजूरी मांगी थी, लेकिन आरोप है कि तेलंगाना सरकार ने टी राजा को शोभा यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी। इस पर बीजेपी ने तेलंगाना सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। हैदराबाद से बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता ने आरोप लगाया कि तेलंगाना सरकार हिंदुओं और मुसलमानों को एक नहीं होने दे रही और सरकार के इस फैसले पर वो चुप नहीं बैठेंगे और सबका जवाब मांगा जाएगा। सुनिए माधवी लता को, फिर आपको दिखाएंगे कि इजाजत नहीं मिलने के बाद टी राजा ने कैसे शोभा यात्रा निकाली। तेलंगाना में जो सरकार चल रहा है, आप सोचिए क्या वो सरकार को हम हिंदू मुस्लिम दोनों भाई एक ही नहीं है क्या? क्या उनके लिए रमजान जितना महत्वपूर्ण रखता है, क्या श्री राम नवमी इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्या? आज हमारा राम लल्ला का जुलूस निकालने के लिए ये लोग तेलंगाना के मुख्यमंत्री के उनके यहाँ पर सब मिलकर हमारा राजा भाई निकालने वाले जुलूस को परमिशन नहीं दे रहे हैं। हम छोड़ेंगे नहीं, हम चुप बैठेंगे नहीं, इस हर हरकत का हम जवाब लेंगे। तेलंगाना में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता टी राजा को शोभा यात्रा की इजाजत नहीं मिली थी, लेकिन परमिशन नहीं मिलने के बाद भी टी राजा ने शोभा यात्रा निकाली। सैकड़ों की संख्या में राम भक्त शोभा यात्रा में शामिल हुए। टी राजा गोशा महल से बीजेपी विधायक हैं और शोभा यात्रा के लिए पहले से सारी तैयारियां कर ली और इजाजत नहीं मिलने के बाद भी शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में टी राजा गाना गाते हुए भी दिखाई दिए। देखिए जरा शोभा यात्रा की तस्वीर। भगवान राम को लेकर जो भावनाएं हैं वो कोई दबा नहीं सकता, और ये भावनाएं इस तरह की हैं कि रामनवमी पर आज उस मंदिर में भी पूजा की गई जिसे 21 साल बाद खोला जा सका है। छत्तीसगढ़ के सुकमा का ये राम मंदिर पिछले 21 सालों से बंद था क्योंकि यहां नक्सलियों का खौफ था और नक्सलियों ने ही इस मंदिर को बंद करवा दिया था। इसी महीने CRPF के जवानों ने सुकमा के इस राम मंदिर को फिर से खोला। मंदिर की साफ सफाई की गई, श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्तियों की पूजा हुई। CRPF ने इस राम मंदिर को फिर से स्थानीय लोगों को सौंप दिया है। तो जो लोग कहते हैं कि नक्सलवाद को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार में क्या कार्रवाई हुई, यह कार्रवाई हुई कि नक्सल प्रभावित इलाके में 21 साल बाद राम मंदिर खुला और प्रभु श्री राम की पूजा हुई। भगवान राम के प्रति इस भक्ति भाव को देखकर ही इंडी गठबंधन की पार्टियां एक तरफ विरोध करती हैं, दूसरी तरफ राम नाम के सारे ही अपनी नैया पार भी लगाना चाहती। जैसे आम आदमी पार्टी की हालत देखिए, उनके नेता अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में तिहाड़ में बंद है और इसकी उम्मीद कम ही है कि वो जल्दी बाहर आ पाएंगे। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने भी राम राम करना शुरू कर दिया, जबकि कभी अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि मस्जिद गिराकर बनाए राम मंदिर में राम नहीं बस सकते। लेकिन आज हालत देखिए कि केजरीवाल की पार्टी राम राज्य की बात कर रही है। आम आदमी पार्टी ने रामनवमी के अवसर पर आपका रामराज्य थीम पर एक वेबसाइट लॉन्च कर दी। इस वेबसाइट के जरिए दिल्ली सरकार के कामों को पूरे देश तक फैलाने की योजना है। वेबसाइट लॉन्च कार्यक्रम के दौरान आतिशी ने केजरीवाल की तुलना श्री राम से कर दी। सौरभ भारद्वाज रामायण की चौपाई गाते दिखे। एक बार आम आदमी पार्टी के नेताओं को सुनिए। भगवान श्री राम को राम राज्य को यथार्थ करने में बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ा। वो 14 साल के वनवास के लिए गए, लेकिन उन्होंने अपना वचन नहीं तोड़ा। उसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी को भी अपने वचन पूरे करने के लिए बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ा है। आज रामनवमी के शुभ अवसर पे हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है आपका राम राज्य। राम राज्य के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि राम राज्य कैसा था। एक चौपाई कही गई है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहुई व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति।
सोचिए पिछले 10 साल में इस देश की पॉलिटिक्स कितनी बदल गई। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जो इफ्तारी पार्टी से आगे नहीं बढ़ पाती थी, जो नेता कभी मंदिर मंदिर घूमते नहीं दिखते थे, नरेंद्र मोदी के 10 साल में पॉलिटिक्स इतनी बदली कि मंदिर जाने की होड़ भी मचने लगी, राम राज्य की बात भी होने लगी, रामनवमी की चर्चा भी होने लगी और बहुत सारे ऐसे काम जो पहले नहीं होते थे वो होने लगे। आम आदमी पार्टी के एक नेता महाबल मिश्रा तो रामनवमी पर अयोध्या भी पहुंच गए। महाबल मिश्रा को आम आदमी पार्टी ने पश्चिमी दिल्ली से उम्मीदवार बनाया। महाबल मिश्रा रामनवमी पर अयोध्या पहुंचे और वहां रामलला के दर्शन किए। महाबल मिश्रा ने कहा कि वो पिछले 42 सालों से रामनवमी पर अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आते रहे। एक और नेता है पप्पू यादव जो कांग्रेस में आए थे इस उम्मीद से कि पूर्णिया से टिकट मिल जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने पप्पू यादव के साथ खेला कर दिया तो पप्पू यादव निर्दलीय पूर्णिया से खड़े हो गए और अब लोकसभा चुनाव में जीत के लिए पप्पू यादव भी राम नाम जपने लगे। आज रामनवमी पर पप्पू यादव ने पूर्णिया में शोभा यात्रा निकाली है। तो ये हाल है विपक्ष का जो चुनाव की तारीख देखकर भक्ति दिखा रहे हैं, जबकि ये लोग राम का विरोध करते आए थे। और एक मुद्दा है जिस पर विपक्ष का डबल स्टैंडर्ड बार बार दिखता है और ये मुद्दा है ईवीएम का। जीत जाते हैं तो ईवीएम पर चुप रहते हैं, हार जाते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं। पाठशाला में अब इसी का चैप्टर। राहुल और प्रियंका ने नरेंद्र मोदी को आने वाली सीटें बताई तो कैसे कांड हो गया। ईवीएम से चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो सुनकर क्यों आपको शॉक लगेगा, अब इसका चैप्टर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार खत्म हो गया। प्रचार के आखिरी दिन जाकर यूपी में इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ में नजर आए। फाइनली आप सोचिए यूपी में राहुल अखिलेश की जो जोड़ी मोदी योगी की जोड़ी को टक्कर देने का दावा कर रही है वो साथ में प्रचार के लिए जमीन पर उतर भी नहीं पाई, जबकि पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है। जिस गाजियाबाद सीट पर आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस सीट पर मोदी योगी की जोड़ी 6 अप्रैल को ऑलरेडी रोड शो कर चुकी। चुनावी रणनीति को समझने वाला कोई भी नेता यह जानता है कि बड़े नेताओं के प्रचार करने से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता है, लोकल उम्मीदवार की रीच बढ़ती है, लेकिन साझा रैली तो दूर, प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे ये लोग बढ़ भी नहीं पाए। इंडी गठबंधन का हाल तो यह है कि प्रचार के आखिरी दिन इनकी नींद टूटी। प्रचार के आखिरी दिन ही प्रियंका वाड्रा को भी यूपी की याद आई और उन्होंने यूपी की सहारनपुर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद के लिए प्रचार किया, जबकि इस सीट पर पीएम मोदी एक हफ्ते पहले ही रैली करके जा चुके। वैसे अखिलेश यादव प्रियंका वाड्रा के रोड शो में शामिल होकर सहारनपुर सीट पर इंडी गठबंधन की एकजुटता का मैसेज दे सकते थे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। कांग्रेस की हालत यह है कि प्रचार के आखिरी दिन यूपी में प्रियंका का पहला रोड शो हो रहा था, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रियंका वाड्रा यूपी की प्रभारी रही, पूरा चुनाव उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लड़ा गया। और जहां तक राहुल गांधी की बात है तो वो अभी तक यूपी में एक्टिव ही नहीं हुए। आज भी अखिलेश यादव के साथ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस गठबंधन की खाना पूर्ति लगी। फिर भी इंडी गठबंधन का दावा है कि यूपी में तो गठबंधन पावरफुल है। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि उन्हें 15-20 दिन पहले लग रहा था कि बीजेपी की 180 सीट आएगी, लेकिन अब लग रहा है कि बीजेपी को मात्र 150 ही सीट मिलेगी। उधर प्रियंका वाड्रा ने कहा कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी ना हो तो बीजेपी 180 सीट पर सिमट जाएगी। राहुल प्रियंका ने तो अपने अपने अनुमान से बीजेपी को 180 से कम में समेट दिया, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने राहुल गांधी और प्रियंका का गणित बिगाड़ दिया। कहा कि उनके हिसाब से तो बीजेपी को 200 से 220 सीट आएगी, यानी एक आदमी कह रहा है 150 सीट आएगी बीजेपी की, एक मैडम कह रही है कि 180 सीट आएगी, एक भाई साहब कह रहे हैं कि 220 आएगी। भाई पहले आपस में तय तो कर लो कि बीजेपी की कितनी सीट आएगी, और अगर ईवीएम फिक्स्ड है तो 150, 180 और 220 क्यों आएगी भाई। अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि बीजेपी की इतनी सीट आएगी तो फिर ईवीएम के खराब होने हैकिंग का नारा ना लगाओ। एक बार कांग्रेस के तीनों नेताओं को सुन लीजिए, फिर बताऊंगा कि लोकसभा चुनाव पर हुए ताजा सर्वे में बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं। मैं सीट का प्रेडिक्शन तो नहीं करता हूं, जनरल बात कह सकता हूं कि बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इम्प्रूव कर रहा है और अंडर करंट है।
या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है? हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। 200 to 220 seats they may win. That is the report I'm having. अब कमाल की बात देखिए, कांग्रेस के तीनों नेता अलग अलग अनुमान दे रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि उन्हें जो रिपोर्ट मिल रही है उसके आधार पर वो ये कह रहे हैं। अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो प्रियंका वाड्रा कह रही है कि 180 सीट आएगी, वरना ये कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि 400 सीट आएगी? अरे भाई, बच्चा अगर ये पढ़ाई लिखाई करे, मेहनत करे, लगातार मेहनत करे और वो कह दे कि मेरा तो एग्जाम ठीक गया है, मुझे 100 नंबर आएंगे, तो वो क्या टीचर से सेटिंग करके बैठा है या उसने चीटिंग की है? तो जो आदमी मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, वो कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि मेरी सीट आएगी, इसमें भविष्यवाणी कौन सी? और वो कौन सा वही कह रहे हैं कि इतनी ही आएगी, लिख के ले लो। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्हें तो हर राज्य में से रिपोर्ट मिल रही है, कि सिद्धारमैया कह रहे हैं कि उन्हें भी रिपोर्ट मिली है। तो भाई, कांग्रेस में कितनी रिपोर्ट्स घूम रही हैं? क्या हर नेता अलग अलग रिपोर्ट बना के बैठा है क्या? अच्छा, राहुल गांधी से जब सवाल किया गया तो कह रहे हैं कि मैं सीटों का अनुमान तो नहीं लगाता हूं, फिर खुद ही बीजेपी की सीटों का अनुमान लगाने लगे। प्रियंका से सवाल किया गया तो कह रही है कि बीजेपी कोई ज्योतिषी है, इतनी सीटें मिलेंगी ये कैसे बता सकती है? सबका अपना हिसाब चल रहा है। प्रियंका वाड्रा तो ये कह रही है कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो बीजेपी 180 सीट पर सिमट जाएगी। लेकिन राहुल गांधी भी कई बार ईवीएम पर सवाल उठा चुके हैं। अब राहुल गांधी को ईवीएम पर भरोसा नहीं है और वो ताल ठोक कर ये भी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बीजेपी को 150 सीटें आएंगी। अगर ईवीएम में वाकई गड़बड़ी है तो बीजेपी को 150 सीट क्यों आएगी भाई? फिर तो 400 आएगी, 500 आएगी, जितनी मन उतनी आएगी। अगर कांग्रेस को ईवीएम से इतनी दिक्कत है तो फिर अपने मैनिफेस्टो में ईवीएम से चुनाव कराने का वादा क्यों किया? कह देते कि उनकी सरकार आएगी तो बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। क्योंकि कांग्रेस भी जानती है कि अब दोबारा बैलेट पेपर पर लौटना प्रैक्टिकल नहीं है। हाल ही में ईवीएम के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान खुद सुप्रीम कोर्ट बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को खारिज कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि देश के जज उस अतीत को नहीं भूले हैं जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो क्या हुआ करता था। यानी कोर्ट बूथ कैप्चरिंग का दौर याद दिला रहा था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर आप भूल गए हैं तो माफ कीजिए, हम उस दौर को नहीं भूले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वोटों की गिनती में ह्यूमन एरर की समस्या रहती है। कोर्ट ने ईवीएम का जिक्र करते हुए कहा कि मशीन तो सामान्य रूप से बिना किसी गलत मानवीय दखल के ठीक से काम करेगी, सटीक प्रमाण देगी, परिणाम देगी। बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की मांग पर दलील देते हुए याचिकाकर्ता ने जर्मनी का उदाहरण दिया, क्योंकि जर्मनी में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने के जज ने कहा कि उनका गृह राज्य पश्चिम बंगाल है जिसकी जनसंख्या जर्मनी से भी ज्यादा है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के उदाहरण मत दीजिए बॉस, यह एक बहुत बड़ा काम है और यूरोप के उदाहरण यहां काम नहीं आते। कोर्ट ने कहा कि किसी पर तो भरोसा करना होगा। यानी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर की जगह ईवीएम पर ज्यादा भरोसा जताया। हालांकि अभी फैसला आना बाकी है, लेकिन कोर्ट याद दिला रहा है भाई कि बैलेट पेपर से क्या होता था, भूल जाएं क्या? ईवीएम की तरह ही इंडी गठबंधन चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है। आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर भी विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ शिकायत पर एक्शन ले रहा है, जबकि जो डेटा सामने आया वो अलग कहानी कह रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक लोकसभा चुनाव के ऐलान के एक महीने के अंदर उसे आचार संहिता के उल्लंघन की कुल 200 शिकायतें मिली, जिसमें 169 मामले में एक्शन हुआ है। अब आप देखिए चुनाव आयोग क्या बता रहा है कि किसके खिलाफ कितनी शिकायत मिली और किस पर कितना एक्शन हुआ। चुनाव आयोग का एक्शन किस पर कितना हुआ है, इसके बारे में जो डेटा है वो आपको बताता हूं। 200 शिकायतें मिली, 169 पर एक्शन हुआ, शिकायत और इधर एक्शन कितनों पर हुआ ये दोनों आपको बता देता हूं। बीजेपी से मिली शिकायत 51 शिकायत, 51 शिकायत बीजेपी से मिली, बीजेपी से 51 शिकायत मिली। एक्शन कितनों पे लिया गया, 38 पर। कांग्रेस की तरफ से कितनी शिकायत आई, कांग्रेस से शिकायत मिली 59। एक्शन कितनों पे हुआ, 51 पर एक्शन हो चुका है। मतलब बीजेपी ने 51 शिकायत की,
38 पर एक्शन होता है, कांग्रेस 59 शिकायत करती है, 51 पर एक्शन होता है, फिर भी ये लोग गाना गा रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन हमारी नहीं सुनता। बाकी पार्टी आप देखिए, बाकी पार्टी उनसे लगभग 90 शिकायत मिली और 80 पर एक्शन की बात कही जा रही है। तो अगर चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर रहा है तो फिर वो सबसे ज्यादा एक्शन तो कांग्रेस की शिकायत पर ले रहा है। चुनाव आयोग ने भी बताया कि उसे पब्लिक की तरफ से 268,000 शिकायतें मिली, जिसमें से 92% शिकायतों को 100 मिनट के अंदर निपटा दिया गया। यानी चुनाव आयोग तो बेहद एक्टिव होकर काम कर रहा है, लेकिन विपक्ष को चुनाव आयोग में भी खोट दिखता है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि चुनाव आयोग इस चुनाव में इतना सुपर एक्टिव होकर काम कर रहा है कि 75 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। चुनाव में धनबल को रोकते हुए चुनाव आयोग हर दिन 100 करोड़ रुपए जब्त कर रहा है। लेकिन वही हाल है कि बोलना है तो बोल दिए। यूपी में आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी से यह भी सवाल किया गया कि क्या वो अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। इस पर वो भड़क गए। एक बार राहुल गांधी को सुनिए, फिर बताऊंगा कि अमेठी या रायबरेली के सवाल पर राहुल को गुस्सा आया क्यों। लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है, ये पत्रकार का सवाल है। पहले ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन, वेरी गुड, शाबाश। देखिए अमेठी की बात, कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग, हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। राहुल गांधी को कोई ये क्यों नहीं समझाता कि उनसे जो उनकी विपक्षी पार्टी है उस वो जो सवाल उठा रही है वही ना पूछे जाएंगे। जब ये सवाल उठाते हैं और बीजेपी के नेता से सवाल पूछा जाता है तो कहा जाता है राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं, आपका क्या कहना है? तो इनसे कौन सा सवाल पूछें? जो कांग्रेस पार्टी के अंदर सवाल होगा वो कांग्रेस इनसे क्या सवाल पूछ लेगी? कह रही है बीजेपी का सवाल है। अरे बीजेपी का सवाल है या किसी और का सवाल है, सवाल का जवाब दीजिए ना। लेकिन भाई पत्रकार को टारगेट करो, ईवीएम को टारगेट करो, फलाना को करो, खुद क्या करना नहीं, अपना बताइए ना बॉस, क्यों नहीं लड़ रहे अमेठी से? सवाल किसका, उस पर लेबल चिपका रहे हैं सवाल पर। दरअसल यूपी में अमेठी और रायबरेली सीट ऐसी है जिस पर कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारा, जबकि ये दोनों सीटें गांधी परिवार का मजबूत गढ़ रही हैं। अमेठी का सवाल तो राहुल गांधी के लिए ऐसा मुद्दा है जिस पर वो हर तरफ से फंसते दिख रहे हैं। अमेठी में राहुल गांधी की चार संभावनाएं और उससे जुड़े चार संकट को समझिए। पहली संभावना, अगर अमेठी से चुनाव लड़ने से इनकार करते हैं या नहीं लड़ते हैं तो संकट यह होगा कि बीजेपी माहौल बना देगी कि राहुल गांधी उस सीट पर भी डर गए जो कभी उनका मजबूत गढ़ थी। राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भाग गए। दूसरी संभावना, अगर अमेठी से चुनाव लड़े तो यह कहा जाएगा कि राहुल गांधी को वायनाड सीट फंसती दिख रही है, वायनाड पर जीत का भरोसा नहीं है, इसलिए दो दो सीट पर लड़ रहे हैं। तीसरी संभावना, अगर अमेठी से लड़े और हार गए तो और भी फजीहत होगी कि अपनी पुरानी सीट को बचा नहीं पाए। चौथी संभावना, अगर अमेठी से लड़े और जीत गए तो भी दिक्कत है क्योंकि तब वायनाड और अमेठी में से एक को चुनना होगा। वायनाड को राहुल गांधी अपना घर बता चुके हैं तो वायनाड को कैसे छोड़ेंगे? अमेठी छोड़ नहीं सकते क्योंकि पारंपरिक सीट है, गांधी परिवार का गढ़ रही है। अमेठी को छोड़ा तो यूपी में कांग्रेस का बेस और कम हो जाएगा। अब ये इनकी दुविधा है और दुविधा में फंसे हैं तो पत्रकार को लेबल लगा रहे हैं। कांग्रेस की दुविधा सिर्फ अमेठी को लेकर नहीं बल्कि चंडीगढ़ सीट पर भी कांग्रेस टेंशन में। इस सीट से कांग्रेस ने मनीष तिवारी को टिकट दिया है लेकिन कांग्रेस के अंदर ही उनका विरोध हो रहा है। कांग्रेस के स्थानीय नेता चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष एचएस लक्की और मनीष तिवारी से नाराज है। दावा है कि इस नाराजगी की वजह से कांग्रेस के 100 से ज्यादा नेता और एक कार्यकर्ता पार्टी छोड़ चुके हैं। इसमें चंडीगढ़ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, प्रवक्ता, उपाध्यक्ष लेवल के नेता हैं। हालांकि जो कांग्रेस जो अंदरूनी कला जो है उसको कम करने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने दखल दिया। मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला को दी गई। राजीव शुक्ला कल कांग्रेस नेता से मिलने चंडीगढ़ जा रहे हैं। उधर नाराज नेताओं ने राजीव शुक्ला का विरोध करने की भी तैयारी कर ली। दरअसल कांग्रेस नेता एक कथित इंस्टाग्राम पोस्ट से नाराज हैं जिसमें चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष एचएस लक्की ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल का अपमान किया था। यह भी कहा जा रहा है कि सीट पर पवन बंसल को टिकट न मिलने से उनके समर्थक नाराज हैं और कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं।
टेंशन सिर्फ कांग्रेस में नहीं है, इंडी गठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव भी टेंशन में नजर आ रहे हैं। उनकी टेंशन बेटी रोहिणी आचार्य को लेकर है। बेटी के चुनाव प्रचार के लिए आज लालू यादव पत्नी के साथ सारण पहुंचे। खराब सेहत के बावजूद लालू ने मोर्चा संभाला। अच्छा, जब इनको ईडी सवाल जवाब के लिए बुलाती है तो कहा जाता है बड़ा अत्याचार हो रहा है, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, और उनको सवाल जवाब के लिए बुलाया जा रहा है। लेकिन आज कहा गया कि खराब तबीयत के बावजूद प्रचार करने पहुंचे। रोहिणी आचार्य को आरजेडी ने लालू का गढ़ मानी जाने वाली सारण सीट से उम्मीदवार बनाया है। लेकिन रोहिणी आचार्य को सारण में लगातार दो बार चुनाव जीत चुके राजीव प्रताप रूड़ी से कड़ी चुनौती मिल रही, इसलिए अब लालू यादव सारण के लोगों के सामने पुराने कनेक्शन की दुहाई दे रहे हैं। पहले सुनिए बेटी के लिए प्रचार करने पहुंचे लालू यादव ने क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा टीएमसी ने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा है। उम्मीदवार आप कीजिए, मीटिंग करके उन्होंने कहा कि रोहिणी आचार्य को आप उम्मीदवार बनाइए। मैंने स्वीकार कर लिया और उम्मीदवार बनाया। लालू यादव परिवार को बचाने के लिए प्रचार में उतरे। उधर ममता बनर्जी को अपना गढ़ बचाने की टेंशन। बंगाल में ममता बनर्जी को बीजेपी से कड़ी चुनौती मिल रही है। इस चुनौती को पार पाने के लिए ममता बनर्जी आज अपने वादों का पिटारा खोलती दिखी, क्योंकि बंगाल में सीए एनआरसी बड़ा मुद्दा है, इसलिए ममता बनर्जी ने इसे मैनिफेस्टो में प्रमुखता से जगह दी। टीएमसी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है कि केंद्र में सरकार बनने पर सीएए को रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही एनआरसी की प्रक्रिया भी रोकने का वादा किया गया है। यही नहीं, टीएमसी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी लागू न होने देने का वादा किया। इसके अलावा बीपीएल परिवारों को साल में 10 सिलेंडर मुफ्त देने, सभी नागरिकों को 10 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस देने का वादा किया गया है। हालांकि ममता बनर्जी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन मैनिफेस्टो में दावा कर रही हैं कि अगर केंद्र में सरकार बनी तो केंद्र में उनकी सरकार तो तभी बनेगी जब इंडी गठबंधन जीतेगा। लेकिन उसे तो आप त्याग चुकी हैं, और मान लीजिए कि अगर इंडी गठबंधन जीत गया और आप उसका हिस्सा रही तो भी क्या इंडी गठबंधन में सभी पार्टियां सीएए हटाने पर राजी हैं? क्योंकि सीए के मुद्दे पर कांग्रेस ने तो मैनिफेस्टो में कुछ कहा ही नहीं है। तो सबका अपना अपना हिसाब चल रहा है। पाठशाला में अब अगली क्लास, पहले चरण की वोटिंग पर वो चैप्टर जो पूरा हिसाब क्लियर कर देगा। रामनवमी पर राम मंदिर की वो तस्वीरें जो घर बैठे अयोध्या पहुंचा देंगी। चुनाव के पहले राउंड में शुक्रवार को वोटिंग होगी। पहला राउंड सबसे बड़ा है क्योंकि इसमें 102 सीटें हैं। आपको बताऊंगा कि इस पहले चरण का पूरा गणित क्या है, कौन कितनी सीटों पर मजबूत है और कौन से बड़े चेहरों का टेस्ट पहले चरण में होने वाला है। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि इस राउंड में कहां कहां वोटिंग होने वाली है। जिन अहम राज्यों में वोटिंग होने वाली है उनमें यूपी की 8 सीटें हैं जहां पहले चरण में मतदान होगा, उत्तराखंड की 5 सीटें हैं, बिहार की 4 सीट है, बंगाल की 3 सीट, मध्य प्रदेश की 6 सीट, राजस्थान की 12 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग है, महाराष्ट्र की 5 सीट और तमिलनाडु की 39 सीटें। पहले चरण में बीजेपी पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीटों पर लड़ रही है और कांग्रेस पिछली बार के मुकाबले कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 102 सीटों में इस बार बीजेपी 77 सीटों पर खुद लड़ रही है, जबकि 2019 में बीजेपी सिर्फ 56 सीट पर चुनाव लड़ी थी। जबकि पहले चरण में कांग्रेस इस बार 56 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 2019 में कांग्रेस 63 सीट पर चुनाव लड़ी थी। यानी बीजेपी की सीटें 2019 के मुकाबले बढ़ गई हैं, कांग्रेस की घट गई हैं। पहले चरण की बात कर रहा हूं। अब अगर आप सक्सेस रेट देखेंगे तो बीजेपी का सक्सेस रेट बहुत हाई है पहले चरण की सीटों पर, जबकि कांग्रेस बहुत पीछे है। जिन 102 सीटों पर पहले चरण में वोट पड़ने हैं उनमें बीजेपी 2019 में 56 सीटों पर लड़ी थी और 40 सीटें बीजेपी ने जीती थी, यानी बीजेपी का स्ट्राइक रेट 72% का था। उधर कांग्रेस 2019 में 102 सीट पर से 63 पर लड़ी थी और मात्र 15 जीत पाई थी, यानी कांग्रेस का स्ट्राइक रेट पहले चरण की 102 सीटों को देखें तो 2019 में 24% का था। यानी बीजेपी का स्ट्राइक रेट कांग्रेस के मुकाबले 3 गुना है पहले चरण की सीटों पर। लेकिन जब बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी फाइट होती है तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट और बढ़ जाता है, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट और कम हो जाता है। पहले चरण की 102 सीटों में 2019 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर वाली सीटों पर क्या हुआ था, अब आपको वो भी बताता हूं। फर्स्ट फेज
फर्स्ट फेज की जो सीटें हैं उसमें कांग्रेस वर्सेस बीजेपी जो डायरेक्ट फाइट थी 2019 का बता रहा हूं आपको, 100 टोटल सीट कितनी थी, टोटल सीट थी 102। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वाली सीट कितनी थी जहां पर सीधी फाइट थी, सीधी फाइट वाली सीट थी 37 सीट। ऐसी 37 सीट थी जहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की सीधी लड़ाई थी। इसमें से बीजेपी कितनी जीती 37 में से, बीजेपी जीती 31 सीट, 37 में से 31 सीट। और कांग्रेस कितनी जीती, कांग्रेस के पास आई मात्र 6 सीट, यानी बीजेपी का स्ट्राइक रेट 84%, 84% कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, और कांग्रेस का सक्सेस रेट मात्र 16%। तो यह है पहले चरण की सीटों का हाल। पहले चरण में 6 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी 3 बार से लगातार जीत रही है, यानी 2 बार की मोदी लहर के पहले से ये सीटें बीजेपी के पास है। इनमें एक तो है उत्तर प्रदेश की पीलीभीत, बीजेपी 3 बार से यहां जीत रही है। जबलपुर मध्य प्रदेश की सीट है, मध्य प्रदेश की एक और सीट है बालाघाट, मध्य प्रदेश की एक और सीट है सीधी, और 2 सीटें राजस्थान से हैं, चूरू और बीकानेर। ये वो 6 सीटें हैं जहां बीजेपी पिछले 3 बार से लगातार जीत रही है, जबकि कांग्रेस के पास सिर्फ 3 सीटें हैं जहां से वो लगातार 3 बार से जीत रही है। इन सीटों में मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा है यानी कमलनाथ का गढ़, मेघालय का शिलोंग है और असम में कालियाबोर है। इसके अलावा किसी पार्टी की मजबूती या कमजोरी का आकलन इस बात से भी लगा सकते हैं कि किसी सीट पर वो पिछले 3 चुनाव में 2 बार जीती या नहीं। इस हिसाब से पहले चरण में बीजेपी 32 सीटों पर बहुत मजबूत है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 8 सीटों पर मजबूत दिखती है। पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर भी चुनाव है। इस बार सीएम योगी यूपी में क्लीन स्वीप के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। पहले चरण का चुनाव खत्म होने से पहले ही सीएम योगी अपने तूफानी दौरे से यूपी के पहले चरण की सीटों पर माहौल सेट कर चुके हैं। इसलिए यूपी में पहले चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन सीएम योगी गोरखपुर में रहकर बिताते दिखे। सीएम योगी ने पूरे विधि विधान से कन्या पूजन किया। सीएम योगी ने अपने हाथ से कन्याओं के पैर धोए, उन्हें चुनरी ओढ़ाई, उनकी आरती उतारी। उसके बाद सीएम योगी ने कन्याओं का भोजन भी कराया। सीएम योगी ने रामनवमी के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में शक्ति पूजा भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह ही भक्ति का भाव अयोध्या में भी दिखाई दिया, जहां राम मंदिर बनने और रामलला के विराजमान होने के बाद पहली रामनवमी मनाई गई। पूरे देश में मनाए गए रामनवमी के पर्व का केंद्र आज सजी सवरी अयोध्या नगरी थी, जहां लाखों लोग अपने आराध्य रामलला के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। रामलला के दर्शन के लिए लाखों भक्त अयोध्या पहुंचे, और सिर्फ मंदिर ही नहीं, हनुमानगढ़ी से लेकर सरयू घाट तक आस्था का सैलाब दिखा। आप तस्वीरें देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार अयोध्या में रामनवमी मनाई जा रही थी, इसलिए राम भक्तों में अलग उत्साह देखने को मिला। राम मंदिर के बाहर की आज की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी अवध नगरी राम मंदिर की तरफ चल दी हो। कोई एक बार अपने राम को देख लेना चाहता था। लाखों भक्तों की भीड़ रामधुन पर जब राम मंदिर की तरफ बढ़ी तो पूरी अयोध्या श्री राम के जयकारों से गूंज उठी। राम मंदिर पहुंचने से पहले श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा भी निकाली। अभी आंकड़ा तो नहीं आया है, लेकिन अनुमान के मुताबिक आज करीब 7 लाख भक्त रामलला के दरबार में हाजिरी लगाते दिखे। इसी से अंदाजा लगाइए कि सुबह 3:30 बजे से शुरू हुआ दर्शन का सिलसिला 12 बजे तक ऐसे ही चलेगा। आज सुबह 3:30 बजे सबसे पहले रामलला की मंगला आरती हुई। ये तस्वीरें देखिए, मैंने कहा था ना आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा जो आपको अयोध्या पहुंचा देंगी। मंगला आरती से पहले रामलला का जलाभिषेक किया गया। 11 पुजारियों की टीम ने रामलला का पंचामृत से अभिषेक कराया। इसके बाद रामलला का भव्य श्रृंगार किया गया, चांदी और सोने के वर्क से धारण कराए। प्रभु रामलला 5 साल के राजकुमार के रूप में विराजमान है, इसलिए श्रृंगार में सोने के हार और सोने का मुकुट धारण कराया गया। एक तरफ भक्तों को दर्शन के लिए रामलला का श्रृंगार किया जा रहा था तो हजारों राम भक्त रात से ही राम मंदिर के बाहर जमा थे। रामलला की पूजा अर्चना सुबह 3:30 बजे से शुरू हो गई थी, लेकिन भक्तों के लिए कपाट 5:30 बजे खोले गए। पर घंटों तक लाइन में लगे रहने के बाद भी किसी के चेहरे पर थकान नहीं दिख रही थी। इस दौरान लगातार जय सिया राम के जयकारे गूंजते रहे। पूरी अयोध्या में आज गजब का माहौल था। रामलला के दर्शन से पहले हजारों भक्तों ने सरयू नदी में स्नान किया। इसके लिए प्रशासन ने पहले से व्यवस्था कर रखी थी।
मान्यता है कि राम मंदिर में दर्शन से पहले गढ़ी में बजरंग बली के दर्शन जरूरी होते हैं, इसलिए जितनी भीड़ राम मंदिर में दिखाई दी उतने ही भक्तों की भीड़ हनुमानगढ़ी में भी नजर आई। भक्तों की भीड़ का अंदाजा प्रशासन को था, इसलिए पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखी गई। राम मंदिर में विराजमान रामलला की अलौकिक मूर्ति गढ़ने वाले अरुण योगी राज परिवार के साथ रामलला का सूर्याभिषेक देखने पहुंचे। रामलला का सूर्याभिषेक कैसे हुआ वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले अयोध्या पहुंचे राम भक्तों की आस्था देखी। कनक भवन में श्रद्धालु रामधुन पर नाचते गाते नजर आए, जरा तस्वीरें दिखाइए। रामनवमी के अवसर पर वैसे तो पूरी अयोध्या अद्भुत लग रही थी, लेकिन सबसे अलौकिक नजारा ठीक 12 बजे राम मंदिर के गर्भगृह में देखने को मिला, जब सूर्य देव ने रामलला का तिलक किया। तस्वीरें देखिए आप, ये लाइट देख रहे हैं आ रही है और सीधा रामलला के मस्तक पर। करीब 4 मिनट तक रामलला का ललाट सूर्य की किरण से चमकता रहा। पूरी दुनिया हैरान कि जब राम मंदिर 3 मंजिला है और रामलला ग्राउंड फ्लोर पर बने गर्भगृह में विराजमान है तो सूर्य किरण मंदिर के अंदर तक कैसे पहुंचे, वो भी सीधे रामलला के मस्तक पर। दरअसल रामलला के सूर्य तिलक के लिए बकायदा एक सिस्टम तैयार किया गया जिसे CBRI रुड़की और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने 2 साल की मेहनत से डिजाइन किया। यह काम कैसे करता है, 65 फीट के इस सिस्टम में अष्ट धातु के 20 पाइप लगे, 4 मिरर 4 लेंस इस्तेमाल हुए। सबसे पहले सूर्य की रोशनी मंदिर के 3rd फ्लोर पर लगे लेंस पर गिरी, जहां से यह रोशनी मिरर से डाइवर्ट होती हुई पीतल की पाइप में प्रवेश कर गई। देख रहे हैं एकदम एक एक चीज जो बता रहा हूं देखते जाइए। सूरज की कृष्ण रोशनी लेंस पे पड़ी, फिर वो पाइप में गई, पीतल के पाइप में लगे दूसरे मिरर से टकराकर 90 डिग्री पर डाइवर्ट हुई और ग्राउंड फ्लोर तक पहुंची। पीतल के पाइप से सीधे जाते हुए किरण 2 अलग अलग लेंस से गुजरी, सूर्य की किरण 3 लेंस से गुजरने के बाद गर्भगृह वाले मिरर से टकराकर एक बार फिर 90 डिग्री पर डाइवर्ट हुई और 4th लेंस से होती हुई पीतल के पाइप के अंत में लगे मिरर पर जा लगी। गर्भगृह में लगे मिरर से टकराने के बाद किरण ने रामलला के मस्तक पर सूर्य तिलक कर दिया। तो यह पूरा सिस्टम आपको समझ में आ रहा है कैसे सूरज की रोशनी लेंस पर, फिर मिरर से होते हुए पाइप से होते हुए अलग अलग लेंस से गुजरते हुए फिर मिरर पर और फिर मिरर से होते हुए रामलला के ललाट। तो बहुत ही दिव्य और भव्य आज वहां माहौल था और ये तस्वीरें पूरा देश देख रहा था।